थोड़े छोटे थे तब उन्होंने अपने लेग पर थोड़ा ज्यादा चोट लगा लिया था बिकॉज ऑफ दिस इंजरी ही कुड नो लॉन्गर फाइट और हंट इनके पैर में जो चोट लग गया था उसी के वजह से ना ही अब ये फाइट कर सकते थे ना ही हंट कर सकते थे बट सिकाया नॉट अ पर्सन हु सिट आइडल लेकिन सिकाया ऐसे पर्सन नहीं थे जो की खाली बैठे रह सकते थे ही वॉन्टेड टू लर्न सम ट्रेड विच वुड कीप हिम एक्टिव एंड बिजी उन्हें ट्रेड सीखना था ट्रेड मतलब कोई चीज देकर कोई चीज लेना सो so उन्हें ट्रेड सीखना था ताकि वो थोड़ा बिजी रह सके क्योंकि उनके लाइफ में और कोई काम था ही नहीं बैठने के अलावा और वो ऐसे पीपल नहीं थे जो कि की बिना काम किए ऐसे खाली बैठे रह सके ही वेंट टू अर सिल्वर स्मिथ एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रेड हिम सिल्वर स्मिथ के पास गए सिल्वर स्मिथ वो लोग होते हैं जो लोग सिल्वर के बने हुए चीज को ट्रेड करते हैं तो सिकायो सिल्वर स्मिथ से रिक्वेस्ट करते हैं की वो उन्हें ट्रेड सिखा दे बींग अ गुड लर्नर ही सोन बिकम स्किल्ड एट वर्किंग विथ सिल्वर सिल्वर को कैसे सेल वगैरह करना है जो भी उसका काम होता है जो सिल्वर स्मित का काम होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए क्यूँकी वो बहुत जल्दी सीख जाते थे कोई भी चीज को सीख बहुत ज्यादा अच्छे थे इन अ फ्यू इस सिकायो बिकेम फेमस एज अ क्राफ्टमैन कुछ ही सालों में सिकायो जो थे बहुत फेमस क्राफ्टमैन बन गए जो चीज अपने हाथ से वो लोग बनाते हैं जैसे कुछ प्लेट या फिर कुछ मिट्टी का कोई बनाते हैं उसी को हम लोग क्राफ्टमैन बोलते हैं मेनी वाइट हंटर्स एंड ट्रेडर्स केम टू बाय सिल्वर आर्टिकल्स विच दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एज अ गिफ्ट टू डेयर वाइफ्स एंड फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े व्हाइट हंटर्स और ट्रेडर्स भी आते थे उनके सिल्वर के बने हुए चीजों को खरीदने के लिए जो कि वो एज अ गिफ्ट दे सके अपने वाइफ्स और फ्रेंड्स व्हाइट हंटर्स वो लोग होते हैं जो लोग अपने हंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बहुत बड़े हंटर्स होते हैं बहुत अच्छा हंटिंग कर लेते हैं वो लोग उन्हीं को हम लोग व्हाइट हंटर्स बोलते हैं सिकायो नॉट ओनली फॉर फॉर गुड बट क्लेवरनेस एंड ऑनेस्टी ये जो लोग होते थे जो सिकायो से अपना चीज खरीदते थे जो भी उन लोग को चाहिए रहता था जो ट्रेड करते थे सिकायो से वो इसीलिए नहीं ट्रेड करते थे क्योंकि सिकायो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता था इसलिए भी क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता था वो बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट होता था और वो बहुत ज्यादा ऑनेस्टली अपने को सेल करते थे सिकायो in सिकायो द टू ही पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लेटर्स एंड दे रीड जो थे व्हाइट मैन का भी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था लेटर्स और न्यूज जो वो लोग पढ़ते थे उसमें जो व्हाइट मैन होते हैं वो सिकायो को बोलते हैं कि ये जो ये न्यूज और लेटर्स पढ़ते हैं ये हंड्रेड ऑफ माइल्स मतलब बहुत ज्यादा दूरी से आता है ये जो न्यूज वगैरह वो लोग पढ़ते हैं द आईडिया ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ऑन लीव ऑफ पेपर अमेज सिकायो लीव पर मैसेज लिखकर किसी और को भेज का आइडिया को बहुत ज्यादा पसंद आया सिकायो कुडेंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द द लेटर्स एंड दैट मैन रीड जो सिकायो थे वो थे वो, वो मतलब सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे थे वाइट मैन कैसे पढ़ लेते हैं कोई न्यूज को या फिर कोई चीज लिखा हुआ होगा पेपर पे वो कैसे पढ़कर कुछ खुद समझ सकते हैं वो बात को क्योंकि जो सिकायो थे वो एक दूसरे से बस बात कर सकते थे मतलब वो लोग बस बात कर सकते थे लिख कर वो लोग बात नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले के उस टाइम पे जो नॉर्मल पीपल्स होते थे ना ही पेपर पे कुछ लिख सकते थे न लिखा हुआ पेपर पे कुछ पढ़ सकते थे सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ही ऐसा आता था जैसे व्हाइट मैन ही कॉल्ड दिस टॉकिंग लीव बिकॉज दिसम्ड टू टॉक टू पीपल एज क्लियरली एस वॉइस डेड जो शिकायत थे उन्होंने इसे टॉकिंग लीव का नाम दिया वाइट मैन man द लेटर्स एंड and newspaper कंटेंट सिकाया ने एक बार व्हाइट मैन से पूछा भी था कि लेटर्स और न्यूज़पेपर्स में क्या क्या होता है साउंडर थिंकिंग अबाउट सिकायोस क्वेश्चन फॉर अ while, जो व्हाइटमैन थे उन्होंने सिकाया का क्वेश्चन को थोड़ा देर तक सोचा एंड फिर उन्होंने बोला कि इफ यू नो हाउ टू रीड यू कैन रीड देम विथ योर आइज जस्ट एज यू कैन हियर वर्ड्स विथ योर इस इफ दे वर स्पोकन वाइट मैन ने सिकायो से बोला कि अगर आप लोग कोई भी चीज को हियर कर सकते हो जो भी सामने वाला कोई बोल रहा है कुछ तो फिर अगर आप लोग जैसा कि अपने इयर्स से उसे सुन सकते हो वैसे ही अगर आप लोग के पास अपना आइज है तो फिर उसे पढ़ सकते हो जो पेपर में लिखा हुआ है सिकायो हैड नेवर हर्ड ऑफ एन इंडियन ट्राइब दैट हैड अ रिटन लैंग्वेज सिकायो ने अपने अमेरिकन सोसाइटी के हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि कोई रिटर्न लैंग्वेज भी होता है बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी टू हैव अ लैंग्वेज कुड बी रिटर्न डाउन लेकिन कितना अच्छा रहेगा एक ऐसा लैंग्वेज जिसे हम लोग लिख सकते हैं पेज पर इट वुड बी ऑलमोस्ट एज गुड एज गैदरिंग फॉर अ मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दे कुड एक्सचेंज आइडियाज थ्रू टॉकिंग लीव इवन वेन इट माइट बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू मीट वो लोग टॉकिंग लीव के मेथड से अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ एक पेपर पे लिख कर तब भी जब वो लोग एक दूसरे से मिल ही ना सके दीज वर दॉट दैट केम टू सिक Mind. ये सब वो थे जो की शिकायतों के माइंड में आ रहे थे उस समय शिकायत स्टार्टेड लर्निंग द वाइट मैन अल्फाबेट वाइटमैन जिस अल्फाबेट का यूज करते थे पेपर में लिखने के समय वो सिकायों ने अच्छे से लर्न कर लिया वेरी सुन ही लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न अबाउट इट बहुत ही जल्दी जो शिकायत थे उन्होंने बहुत सारी चीजें लर्न कर ली जितना भी उन्हें लर्न करना था वो अल्फाबेट के बारे में ट्वेंटी सिक्स मार्क्स इन इट जो व्हाइटमैन के अल्फाबेट थे उसमें ट्वेंटी सिक्स मार्क्स थे इच मार्क्स वॉज से